साधारण फल समझकर फेंकने की कोशिश ना करना। जी हाँ, भांग धतूरा सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान भोलेनाथ का नाम आता है, क्योंकि धतूरा का फूल और फल भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसे तो धतूरे का फल काफ़ी जहरीला माना जाता है। इसका सेवन आपके लिए काफ़ी घातक भी हो सकता है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि धतूरे का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उन्हें धतूरा चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ को धतूरा बहुत पसंद है। शरीर पर भस्म रमाने वाले बैरागी भोले बाबा को धतूरा चढ़ाने से दुखों से छुटकारा मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिव जी की ये प्रीचेज सिर्फ भगवान शिव को खुश कर अपनी किस्मत में चमकाने में नहीं है, बल्कि बीमारियों में धतूरा का इस्तेमाल किया जाता है। धतूरे के पत्ते का धुआं दमा शांत करता है तथा धतूरे के पत्तों का अर्क कान में डालने से आँख का दुखना भी बंद हो जाता है। धतूरे की जड़ सूंघे तो मिर्गी रोग शांत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार धतूरे के फल को बीच से तराश कर उसमें लौंग रखें, फिर कपड़ मिट्टी कर घूमर में भुने। जब भुन जावे तब तवा पीस कर उसकी उड़द बराबर गोलियां बनाए। सवेरे सांझ एक एक गोली खाने से ताप और तिजारी रोग भी दूर हो जाए और हर प्रकार से यह लाभदायक है। धतूरे के कोमल पत्तों पर तेल चुपड़े और आग पर सेंक कर बालक के पेट पर बांधे। इससे बालक का सर्दी दूर हो जाता है और फोड़ा पर बांधने से फोड़ा भी अच्छा हो जाता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो तो बस आप इस धतूरे के पत्तों को हल्का गुनगुनाकर सूजन वाले स्थान पर बांध दे, निश्चित लाभ आपको मिलेगा। इसके फल मूत्र पल पत्र त्वक कांड अर्थात पंचांग का रस निकाल के तिल के तेल में पका लें। जब केवल तेल बचे तब इसकी मालिश जोड़ों में करें तथा पत्तों को बांध दे। तो ये कोई सामान्य और साधारण पेड़ नहीं है, बहुत ही चमत्कारी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।